फ्रेंड्स, ये रख दिया हमने आटा और अब चले तहज्जुद की नमाज पढ़ने। इससे अभी तो लेटे थे और इतनी जल्दी जो है शहरी का टाइम हो गया, इससे लगता है मसाफे बन गए और शहरी का टाइम हो गया। पता ही चलता है कब दो तीन घंटे सो लिए। आटा बहुत ठंडा है, इतना ही नहीं ये जो तेल रहे हैं वो फिर उतना ही है, बैग हो रहा है इसका बहुत बीच का आटा जो। फ्रेंड्स, पराठे बना लेते हैं और सहरी कर लेते हैं। आप लोगों से मिलेंगे हम सुबह। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का सौभिक दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूँ। तो मेरा व्लॉग तो सुबह स्टार्ट हो चुका था, तो हमने कहा सलाम हम दोपहर में कर लेंगे, जोहर के टाइम। तो अभी तो घर का फिलहाल काम हो चुका है और हम नहा भी चुके हैं। हम सो के उठे थे 10 बजे, तो जल्दी जल्दी काम करा फिर हमने नहाया। और तो आप लोगों को 5वां रोज़ा और 5वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे हमको सुबह कहना चाहिए था, तो हमने कहा हम दोपहर में कह देंगे। तो 5वां रोज़ा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ेंगे, पारा पढ़ेंगे। और आज हमें कहीं जाना भी है, जाना है मार्केट, जाना है हस्बैंड जी के साथ जाना है। भैया और हस्बैंड जी का कुर्ता पैजामा लेना, देखते हैं कानपुर जाते हैं कि उन्नाव से ही लेते हैं। वैसे इरादा तो उन्नाव से ही लेना, कि कानपुर बहुत टाइम हो जाएगा और हस्बैंड जी की तरावी चल रही है, तो उनकी तरावी छूट जाएगी क्योंकि देर हो जाएगी आने में, इसलिए शायद उन्नाव से ही लें। तो आज का व्लॉग में जो जो होगा आप लोगों को दिखाएंगे, तो हमारे व्लॉग में बने रही है। तो अभी हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, तो नमाज पढ़ लेंगे आप लोगों से मिलेंगे इफ्तारी के टाइम। तो आप लोगों को दिखाते हैं आज क्या वही बनना है, रोज़ पकौड़ी, चने, पापड़, बस यही सब चीज़ें हैं। तो देखते हैं आज कुछ नया बनता कि नहीं। और कल के व्लॉग में थोड़ा मेरा व्लॉग इधर से उधर हो गया था क्योंकि देर हो रही थी, पकाना भी है, काटना भी है, सब कुछ करना है। तो मेरे जो हमने शाही तोस बनाए थे, थोड़ा मिर्चों को हो गया बीच में, थोड़ा उसका हो गया, तो आप लोग थोड़ा संभाल लीजिएगा। तो इसलिए हमने कहा आप लोगों से बता देते हैं, तो आप मेरे व्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अफ्तारी का टाइम हो चुका है और हम किचन में आ चुके हैं। आधे ज़्यादा मेरा काम हो चुका है और आज खाने में बना रहे हैं हम चने की दाल और गोश्त। और तो इधर सारा इंतज़ाम हो चुका है, अभी हम खाना बना रहे हैं। अंडे अंडे सब बॉयल हो चुके हैं, ये देखिए अंडे आलू सब बॉयल हो चुके हैं। तो अभी करना है, काफ़ी काम करना है, अभी फ्रूट्स भी काटना है। देखते हैं आज कौन काटता, हम काटते हैं कि हस्बैंड जी काटते हैं। तो अभी कर रहे पका रहे हैं खाना, तो अभी मिल रहे हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे हस्बैंड जी लाए हैं ये नींबू का पेड़ों का बहुत ज़्यादा। अरे इसमें नींबू भी निकले है ना, ये वाला देखो बड़ा भी है, नींबू का है, पता चले फिर वही वाला। ये लाए थे, ये देखिए कि कहेगा नारंगी, ये नींबू समझ के लाए थे, नारंगी का निकल गया। ये देखिए इसमें भी आ गए, ये नारंगी हैं, तो बड़ा हो गया ना, ये बड़े बड़े हो गए। तो आज लेकर आए हैं नींबू का पेड़। अब इसमें कांटे दिखने लगे हैं। किसमें? ये नींबू का है फिर ये? वो कह रहे नींबू में कांटे होते हैं? इसमें होते कम होते, उसमें ज्यादा होते हैं। तो ये कहाँ का है ये पेड़? ये पाकिस्तानी नींबू। पाकिस्तानी नींबू कौन बताई सही बात? जिसने दिया उसी ने बताया। तो यहाँ पर भी मिलता पाकिस्तान का सामान? यहाँ सामान ही आता है। बहुत ज़्यादा फैल गया। देखिए बेला, ए बेला का अमरूद, ये अमरूद क्या है, ये क्या लगा था? खरबूजा अमरूद बता रहे, ये खरबूजा लगा इन था, ये बाद में इसमें गुम्मे मारे, अद्धे चला अद्धे चला है। देखो कैसे सब निकले, अब निकल आए पेड़ आए, निकलेगा नहीं निकलेगा? अब आप बोल, अम्मा को भी, मम्मा, मम्मी, हमको बोल रहे माँ जी जी खूब लगा रहे हर चीज में, हम कहो नहीं बात है, क्या खा रहे हो? अल्लाह, रोजेस नहीं हो? रोजेस नहीं हो?
ट्रॉफी खा रहे हो? रोजा नहीं रखा? कहाँ रखा है रोजा? अल्लाह अल्लाह क्या रखा? और ट्रॉफी तो खा रहे हो हैं? अच्छा तो देखो ले ले ये ले ये खा लो, सलाम करो। ये भैया बताना नहीं पड़ता है हमारे भैया को है। तुझे सब लोग ठीक हो है? क्या हुआ? सलाम अम्मा बहुत सिखाया है, मन में होता करता है, मन में होता नहीं। चारे देखो कितनी मेहनत करते हैं पेड़ों के लिए। इसमें कौन सा पेड़ है? नींबू का। लाए? क्या लाए? ये नारंगी का निकला खाला। ये तो बता रहे थे। दो कितने बड़े बड़े हो गए। इसका मतलब वो भी समय इनका ही बेकार। गमले में सही रहेगा? नहीं लगा देंगे फिर इसको हटा के फिर उसे जमीन में लगा देंगे। मिट्टी कम है ना? ठीक है, पानी भर जाती है। अभी पानी वानी के लिए नहीं, फूल के लिए। नींबू निकले हैं? ये अभी तो महंगा है। कितने का ही पेड़ है? पूछो मम्मी से बताएंगे। 250 रुपए का है। 250 रुपए का है। 50 रुपए का धारा 50 रुपए का। 50 रुपए 50 रुपए कम थे। 50 रुपए लगा था वो छोटा था उसमें ही, उसमें जो बीज लगा था। भाभी का है इनका भी तो नारंगी निकल गया अंदर वाला भी। और झाड़ू तू अंदर करो। गाइस भैया बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड और आज पापा से अपनी फरमाइश करी ने कि हमें फल ला दो। पापा ला के देने इनको जो जो डालना है अंदर, ज्यादा कुछ नहीं ला पाए तो जो जो है वो डालना है। और हमसे बता रहे हैं बना दो। तो अकेले हम क्या क्या करें, हम खाना पकाएं, अफ्तारी बनाएं, फल भी काटना है, वीडियो भी बनाना है, वीडियो एडिट भी करना है। तो हमने कहा हम नहीं बना पाएंगे, अपने हाथ से बनाओ। तो ये बना रहे हैं। मलाई बता दो। तो अभी इसमें पाउडर घोलोगे ना? अभी नहीं। तो हम जा रहे हैं अपना काम करें, अपना बनाओ। बनाएंगे नहीं ना, उसी में रख रहे हैं। तो इसको उतार लो, ये वाले उतार लो। नहीं ये तेज जलती है, वो तेज जलती है। तो हटाओ उसी को। कीमा पका ले। नहीं चलेगी, दाल और गोश्त बना रहे। ये देखिए ये बौदान समझ लीजिए। ये तौलिया भैया ऐसे पैर पोछे जाते हैं? मुंह पोछोगे? ले फेंक दिया। धो लिया मुंह? मुंह धो लिया? हाथ हाँ। अब क्या धोने जा रहे हैं? अब ना इसमें गरम गरम दूध डालोगे ना? उसमें डालेगा। हाँ हाँ इसमें पानी डालेगा। नहीं दूध से घोलो इसको, पानी से घोलोगे? बस थोड़ा ही बनाना रहना ना बनाना। बड़े बावर्ची बने। भूल गया अंगूर सही है? कम लग रहा है हमको पाउडर। और डालिए पाउडर। कम है? ठीक है। कलर देखो कितना कैसा आया। कलर नहीं है ना? हाँ फिर कैसा बनता? गाढ़ा हो गया ज्यादा? नहीं ठीक है इतना। अभी कहाँ गाढ़ा हुआ? देखो फिर कहते सीख लो। हाँ सही कह रहे हो। दे दो। तो अब इसको क्या करूँ? फ्रिज में लगाओगे ना? जब पक जाए गाढ़ा हो तो फ्रिज में जाएगा। तो हो गया गाढ़ा, फ्रिज में लगाने जा रहे हो? ये वाली फ्रिज में लगा दो, बाल वाली में लगाओगे? हाँ चला देते। तराश नहीं है। थोड़ा सा और पकड़िए ये वाला। तो गाइस ये देखिए कस्टर्ड के लिए फल कट रहे हैं, दादी और पोते काट रहे हैं। ये बात केला कहाँ, फिर छिलके कहाँ फेंक रहे हो आप? अरे उठा के लाइए सब। क्या आपके लिए केले मंगवाए हमने हैं? ये देखिए हाँ केला आपके लिए मंगवाया हमने। आपने हमसे पूछा नहीं कि माम केला ले लेना ले। माँ जी केला ले ले। हाँ ले तो लिया। आप कहाँ पूछ रहे हो माँ जी?
मम्मा आई है। मम्मा सोंधी चटनी पीसने आई है सिर पे। अच्छा हाँ चटनी अब इमली कर लाना, जब पीस लेंगे इमली की चटनी। और ये केला आप खा लेंगे घर, छिलके सब जसमीन डालेंगे। नौजीन देखो छिलके में उछाल जाने पे देखो जा रहे। केला खाने के बाद में सब सब जसमीन डालो, उठा सकते बस करो, अपना डालो बस। भैया अभी केले तो डालोगे हैं और ड्राई फ्रूट डालोगे? काटिए, दो काटिए बस, राधा ना वो भैया काजू बादाम। तो फ्रेंड्स हस्बैंड जी से कहा फल काट दीजिए, तो वो चले गए कोई काम से, तो हम ये काटना है। फिर रोज की तरह वही हो जाता है कि देर हो जाती है। अकेले में यही दिक्कत होती है, क्या क्या करें। भैया तो अपना काम करके चले गए, अपना कस्टर्ड बना के, उनसे नहीं मतलब है। मैंने कहा चलो हम ही काट ले पहले, बाद में अफ्तारी तलेंगे, पहले तलने वाला काम बाद में करेंगे, पहले अफ्तारी काट फल काट लेते हैं पहले। ज़्यादा नहीं काटेंगे, रोज़ फल जो है रोज़ बर्बाद हो रहे हैं, ज़्यादा कट जाते हैं रोज़ की रोज़, तो आज ज्यादा नहीं काटेंगे, आज कम ही काटेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए आज हमने बनाया है चने आलू और टमाटर की चाट। ये देखिए रोज रोज एक नई रेसिपी होना चाहिए। फ्रूट्स में तो खाली बस यही अच्छा लगता है, बस तरबूज, और कोई भी चीज पसंद नहीं आती। रोजे में अच्छा लगता है, पानी की कमी भी पूरा करता है और खाने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए बस इतना काटा, ज्यादा नहीं, इतना ही ठीक है। तो फ्रेंड्स याली चाट पे हम नींबू डाले दे रहे हैं। नींबू देखिए कितना महंगा है, 10 रुपए का एक नींबू, ये इतना बड़ा नींबू 10 रुपए का एक है। तब मेरे हस्बैंड जी लाकर पेड़ लगा लिए हैं। अब ये साल अगर जिंदगी दी अल्लाह ताला ने, रमजान नसीब हुए, तो नींबू घर का रहेगा, कहीं ने नींबू ला के लगाए ले रहे हैं, घर में आराम रहेगी। तो हम इसमें डालेंगे ये हरी चटनी, ज्यादा नहीं डालेंगे ना, भैया खा नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स इनका कस्टर्ड बन गया, ये जार डाल रहे हैं फ्रूट्स। ये डाल दो, साथ में ही डाल दो, ठीक। तो गाइस इनका कस्टर्ड बन गया है, और कुछ डालोगे इसमें? बस हो गया। और इधर हमारी अफ्तारी भी बन गई है, बस दस्तरखान भैया बिछाओ। भैया आइए मेरी हेल्प करिए, आके रखवाइए, टाइम है नहीं। तो फ्रेंड्स अफ्तार का टाइम एकदम करीब हो गया है, रोज़ा खोल लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो रोज़ा खुल गया है, सारे बर्तन धो लिए, इधर बोतलें भर के रख लिए हैं, और तो अब चाय पीने जा रहे हैं। ये देखिए अभी पियेंगे हम और भैया दोनों लोग चाय। रोजे के बाद की चाय बहुत मज़ा आती है, चाय पीने के बाद थकावट उतर जाती है। तो फ्रेंड्स चाय पी लिया है और हस्बैंड जी को भी चाय पिला दिया, दोनों लोग चले गए हैं तरावी पढ़ने, और कुछ मेहमान आए थे तो उनसे बातें बातें करने लगे, तो उसमें टाइम हो गया। तो अब हम भी जा रहे हैं नमाज पढ़ने, हमने कहा पहले हम अपना ब्लॉग एंड कर लें। तो हमने आपको बताया था कि हम जाएंगे आज हस्बैंड जी के साथ शॉपिंग करने, भैया के लिए और हस्बैंड जी के लिए कुर्ता पैजामा लेने।
तो टाइम नहीं रहता, मगरिब में और इशा में टाइम नहीं रहता, तो हस्बैंड जी बोले कि कल चलेंगे, तो हमने कहा ठीक है। और हमारे पास भी टाइम नहीं, हम अभी काम बहुत से पड़े हुए हैं, बर्तन भी धोना और बर्तन निकलाएं, चाय वाय के तो बर्तन है काफी रखे हैं और काम भी है, नमाज भी देर हो जाएगी, तो हमने कहा ठीक है कल चलते हैं। तो कल जो भी ले गए हैं तो कल के वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज हमने कहा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।